हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मेरे साथ भैया जुड़े हैं और आज हम जा रहे हैं शिव मंदिर, जो आपको दिखाएंगे और कैसे जा रहे हैं सभी को दिखा रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए तब तक, और आप लोगों को बहुत बड़ा एक ऐसा भोलेनाथ है जो हम आप लोगों को दिखाएंगे, तो मेरे चैनल बने रहिए, दिखाते हैं। देखिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी पर चढ़ गए हैं सभी लोग और अभी जा रहे हैं और आप लोग को दिखाएंगे। तो देखिए गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं सभी लोग यही ऑटो से, और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो गाइस, फाइनली हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये मेरा फ्रेंड लोग है, और देखिए काफ़ी यहाँ का नज़ारा कितना क्यूट है। आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, अभी आपको शिव जी का मंदिर दिखा रहे हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और अभी इसके अंदर जाएंगे, मेरे चैनल बने रहिए, अभी आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर जाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे गाइस। देखिए गाइस, अभी हम इसके अंदर अब जा रहे हैं, देख लीजिए नज़ारा यहाँ का काफ़ी अच्छा नज़ारा है। जा रहे हैं अंदर और अंदर क्या क्या चीज़ है आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बाहर का जो सीन है आप लोगों को एक चीज़ नहीं दिखाए थे, तो देख लीजिए यहाँ पर कितना खाली तिलसुन है और नीचे सिंह है और ऊपर तिलसुन है, और इधर देखिए नज़ारा। अभी मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को और दिखा रहे हैं अंदर जाके, अभी अंदर नहीं गए हैं, अब अंदर जाके आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, देखिए अब मैं अंदर आ गया हूँ, अंदर आ गए हैं, और ये दोनों मेरा दोस्त है अपना, और आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है, उधर काफ़ी बहुत बड़ा पहाड़ है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। और देखिए ये अंदर का सीन है, उधर बाहर था और ये अंदर का सीन है, देखिए अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। और काफ़ी लंबा दूर है, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए अभी हमको बहुत दूर जाना है गाइस, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, आप लोगों को ज़रूर दिखाते हैं। तो दोस्तों, जिसको हम दिखाने की बात कर रहे थे उसके पास हम आ चुके हैं, और आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं, जस्ट अभी हम आ गए हैं उस जगह, और आप लोगों को बड़ी खतरनाक एक भोला बाबा को दर्शन करने आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पर, और मेरे चैनल पर बने रहिए, अभी आपको दिखा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को जो दिखाने वाले थे वो देख लीजिए, अभी वहाँ पर है, और जिसको भोला बाबा को दर्शन करना होगा प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा और भोला बाबा से दर्शन कीजिएगा। तो हम थोड़ा और करीब जाते हैं आप लोगों को, ताकि अच्छे से दिखा सकें, तो मेरे चैनल पर बने रहिए, अभी आपको और दिखा रहे हैं थोड़ा और पास जाके। और गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ से कैसे गैस निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, आप देखिए ये पहाड़ से गैस निकल रहा है यहाँ पर, आप लोग गाइस यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कितना बहुत सुंदर है, देख सकते हैं गाइस, देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और वहाँ से गैस निकलता है इस पहाड़ से, और इधर का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी खतरनाक नज़ारा है। और वहाँ पर है भोला जी, जो आपको वहाँ जाके करीब से दिखाते हैं, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। देखिए गाइस, अभी हम जा ही रहे हैं और आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, तब देखिए गाइस कितना क्यूट नज़ारा है। तो आप लोग ज़रूर भोला बाबा के दर्शन करने के लिए आइए, और आप लोग भोला बाबा से दर्शन कीजिए, देखिए कितना सुंदर, कितना क्यूट है और कितना ज़्यादा भीड़ है, देखिए गाइस। तो देखिए गाइस, एक्चुअली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और देखिए कितना बड़ा ये महादेव है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए देखिए आप लोग। और महादेव के सर पे जो चांद दिख रहा है वो भी जलता है, और महादेव पूरा जलता है, आपको शाम का भी वीडियो दिखाएंगे, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए,
और शाम वाला दिखाते हैं कैसे लाइट जलता है और क्या किस तरीके से भगवान का रूप चेंज होता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देख लीजिए कितना सारा भीड़ है। और यहाँ पर देख लीजिए तो हेलो दोस्तों, देखिए मेरा सभी भाई आ गए हैं। इधर शिव जी का मूर्ति है और अभी अच्छे अच्छे वीडियो दिखा रहे हैं, अभी और आप लोगों को बैकग्राउंड दिखाने वाले हैं, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम उधर जा रहे हैं, इधर शिव जी है और इधर जा रहे हैं, हम आप लोगों को ब्लॉग दिखा रहे हैं, बने रहिए मेरे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट कटता है और बैलगाड़ी से घुमाया जाता है, देख सकते हैं आप। इस जगह का नाम है ईसा भड़ूसन। देखिए हम सभी भाई कहाँ जा रहे हैं, देखिए इधर अभी जा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत खतरनाक सीन है। और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये मेरा भाई देखिए बहुत हंसी आ रहा है, इनको बहुत इंजॉय आ रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। ये भी मेरे ही साथ घूमते हैं, मेरा दोस्त है। और इधर देख सकते हैं अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए खाने के लिए भी सुविधा है, यहाँ पर होटल है और काफ़ी सारा बहुत सामान भी मिलता है, यहाँ पर सारे दुकान भी हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है, यहाँ पर नहाइए और भोजन भी कर लीजिए। और आगे देखिए क्या क्या हो रहा है, आप लोगों को दिखा रहे हैं भाई दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर नहाने का सुविधा है और यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी खतरनाक सीन है, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खतरनाक सीन है। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, अभी और दिखा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ का बैकग्राउंड कितना अच्छा है, इधर टिकट रूम है, इधर बैग चेक होता है, उधर नहाने का रूम है। हाय गाइस, तो आप ये जो शिव जी मंदिर देख रहे हैं तो अभी कई तरह की रूप चेंज करेगा, अभी इसमें ऐसा ऐसा लाइट जलेगा कि रूप चेंज होगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक, और आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका लाइट जलता है और कैसे चेंज होता है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब में बने रहिए, आप लोगों को सभी चीज़ दिखा रहे हैं, कैसे कैसे कलर होता है, कैसे कैसे चेंज होता है, सभी को दिखा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मूर्ति है। और यहाँ पर देख लीजिए अभी बहुत कलर का ये भेष चेंज करेगा महादेव। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बहुत बड़ा साउंड वाउंड लगा है और यहाँ पर बॉक्स वॉक्स है, और इसी वजह से लाइट से और ये जो मंदिर दिख रहा है काफ़ी बहुत ज़्यादा लाइट करेगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या क्या होता है। गाइस आप लोग देख सकते हैं भगवान अभी बहुत कलर का रूप बदलेगा, और देख सकते हैं कितना भीड़ है। देखिए गाइस देखने वाला खाली इतना पब्लिक भीड़ है, अभी भगवान ऐसा ऐसा रूप लेगा कि आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, दिखाते हैं। आप लोग बने रहिए, दिखा रहे हैं आप लोगों को भगवान कितना कलर का रूप लेता है, लाइट जलेगा पूरे। देखिए गाइस अब शुरू हो गया है और आगे देखते जाइए क्या हो रहा है, देख लीजिए कितना पब्लिक है। अभी ये भगवान रूप चेंज कर रहे हैं, उधर देखिए बादल से धुआं निकल रहा है, बादल पहाड़ से।
spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some moment, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they call him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Founded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. State of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Dekh sakte hain guys.
राधेवाय नमः। सभी लोग आप अपने अपने घर जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हो चुका है, शंकर जी अपना रूप दिखा दिए हैं, अब हम लोग रूम पे जा रहे हैं। बाय बाय। तो आप लोगों फाइनली हो चुका है और लोग गाइस फाइनली हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं रूम पर। बाय बाय, तब तक के लिए।